हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के छात्र बिना एग्जाम के पास घोषित नहीं होंगे। यूजीसी से मंजूरी जरूरी, कहा राज्य एग्जाम रद्द कर सकते हैं लेकिन बिना परीक्षा के प्रमोट नहीं करिए। मेडिकल और इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम को टालने की सियासी मांग तेज हुई। आज दिल्ली में कांग्रेस के प्रदर्शन में पुलिस से हो गई झड़प। नीट और जेईई एग्जाम टालने की मांग विपक्ष ने तेज की। आज जयपुर में प्रदर्शन के दौरान सचिन पायलट शामिल हुए। पायलट बोले, छात्र कोरोना की वजह से खौफ में है। जेईई और नीट परीक्षा टालने के लिए राहुल गांधी चला रहे हैं ऑनलाइन मुहिम, तो बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम भी कर रहे हैं परीक्षा का विरोध, कहा छात्रों का चीर हरण हो रहा है। सरकार ने कहा है छात्र भी चाहते हैं एग्जाम हो, क्योंकि लाखों एडमिट कार्ड डाउनलोड हुए हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन बोले, एडमिट कार्ड की दलील गलत, क्या बीमा करवाने वाले शख्स को मर जाना चाहिए। नीट जी की परीक्षा के खिलाफ गैर बीजेपी शासित 6 राज्यों के मंत्रियों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट पहले रोक लगाने से इनकार कर चुका है। कोरोना काल में लोकसभा सत्र के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने अफसरों के साथ आज मीटिंग कर तैयारियां देखी। 14 सितंबर से शुरू होना है सदन का सत्र। संसद के मानसून सत्र से 72 घंटे पहले सांसदों का कोरोना टेस्ट होगा। सांसदों के स्टाफ की भी कोरोना जांच की जाएगी। 14 सितंबर से होना है संसद का सत्र। पंजाब में आज शुरू हुए विधानसभा सत्र। सत्र से पहले करीब 30 विधायक कोरोना संक्रमित मिले हैं। आज कई विधायक पीपीई किट पहनकर पहुंचे।